to you all in our first conversation session. So it's your first class of conversation as you have moved from class 3rd to 4th. जैसे कि आप class 3rd से 4th में आपने मूव किया है, ये आपकी conversation की first class है. So the first session we are going to start a new chapter of the conversation book, that is chapter number 1, that is good manners. So now let's start. Here it's a conversation between Rhea and a teacher. ये conversation जो है Rhea और teacher के बीच की है. Here they were talking about some good manners. Good manners मतलब अच्छी आदतें. So let's start. So the first teacher says, सबसे पहले teacher कहती हैं, Good morning Rhea. You know value education plays an important role in our life. Let's talk about it. तो अध्यापिका जो है teacher जो है वो कहती हैं, सुप्रभात रिया, तुम जानती हो नैतिक शिक्षा मतलब वैल्यू एजुकेशन. नैतिक शिक्षा की हमारे जीवन में एक अहम भूमिका है. अहम मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. आओ इसके बारे में बातचीत करें. रिया, गुड मॉर्निंग मैम, आई विल एंजॉय टॉकिंग अबाउट इट. रिया भी कहती है, सुप्रभात मैडम, मुझे इसके बारे में बातचीत करने में मजा आएगा. उसके बाद टीचर कहती है, रिया, व्हाट शुड वी डू इफ वी वांट टू एंटर अ रूम एंड इट्स डोर इज क्लोज्ड. अध्यापिका कहती है, टीचर कहती है रिया से, रिया हमें क्या करना चाहिए यदि हम किसी कमरे में जाना है, हमें किसी रूम में एंटर करना है जाना है और उसका दरवाजा बंद हो तो. रिया कहती है, मैम इट्स रिस्पेक्टफुल एंड गुड मैनर्स टू नॉक एंड आस्क फॉर परमिशन टू एंटर. रिया कहती है, मैडम यह सम्मानीय व अच्छा आचरण है कि खटखटाएं व प्रवेश के लिए अनुमति की प्रतीक्षा करें. मतलब अगर हमें किसी के रूम में एंटर करना है, रूम क्लोज है, तो पहले हम डोर को नॉक करेंगे और जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाती हम वहां एंटर नहीं करेंगे. ये अच्छी चीज होती है. टीचर, हाउ शुड वी बोरो समथिंग फ्रॉम अदर डियर. फिर टीचर बोलती है, हमें दूसरों से किस प्रकार कुछ उधार मांगना चाहिए प्रिय. तो रिया कहती है, वी शुड नॉट पिक अप द थिंग बट आस्क परमिशन टू यूज और बोरो इट. हमें वह सामान उठाना नहीं चाहिए बल्कि उसे इस्तेमाल करने या उधार लेने के लिए अनुमति मांगनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए. टीचर, इज इट गुड मैनर टू आस्क अदर्स पर्सनल क्वेश्चंस रिया. टीचर पूछती है, रिया क्या दूसरों से व्यक्तिगत प्रश्न पूछना अच्छा आचरण है, अच्छी बात है. तो रिया कहती है, नो इट इज बैड मैनर्स, वी शुड अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स. नहीं, या बुरा आचरण है या अच्छी बात नहीं है, हमें दूसरों से व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, पूछने से बचना चाहिए. फिर टीचर पूछती है, हाउ शुड वी ट्रीट अदर्स, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. रिया कहती है, वी शुड ट्रीट अदर्स इन अ पोलाइट एंड जेंटल मैनर्स. तो रिया कहती है, हमें दूसरों से विनम्र और सौम्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए. उसके बाद टीचर पूछती है, हाउ शुड वी बिहेव इफ वी हैव डन समथिंग रॉन्ग. अगर हमने यदि हमने कुछ गलत किया हो तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए. रिया कहती है, वी शुड अपोलोजाइज इमीडिएटली फॉर अवर रॉन्ग एक्शन. रिया कहती है कि हमें अपने गलत कार्य के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए. वी हैव टू अपोलोजाइज, हमें तुरंत सॉरी बोलना चाहिए. रिया, फिर टीचर पूछती है, रिया इज इट गुड टू कीप टॉकिंग अबाउट अवरसेल्व्स. रिया क्या अपने बारे में बात करते रहना अच्छा है. तो रिया कहती, नो मैम, वी शुड टॉक लेस एंड गिव अदर्स अ चांस टू स्पीक. नहीं मैडम, हमें कम बोलना चाहिए और दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए. उसके बाद टीचर कहती है, रिया शुड वी इंटरप्ट इन अ कॉन्वर्सेशन. रिया क्या हमें किसी वार्तालाप में दखल देना चाहिए, अगर कोई लोग बात कर रहे हो तो क्या उसमें हमें दखल देना चाहिए. रिया कहती है, नो मैम, वी शुड वेट फॉर अवर टर्न. हमें अपने चांस की टर्न, हमें अपने टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा. एंड वी शुड नॉट इंटरप्ट व्हाइल अदर्स आर स्पीकिंग. नहीं मैडम, हमें अपने बारी का इंतजार करना चाहिए और जब दूसरे बोल रहे हो तो दखल नहीं देना चाहिए. टीचर, रिया इट सीम्स यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैनर्स एंड एंटीक्विटीज.
Follow them in your life religiously and be a role model for others. रिया, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें सभ्याचार और शिष्टता का अच्छा ज्ञान है. इनका अपने जीवन में निष्ठापूर्वक पालन करो और तथा औरों के लिए भी अनुसरण करो, मतलब अनुकरणीय बनो, दूसरों के लिए भी अनुकरणीय बनो. So students, now this chapter is over. And your homework is that you have to write 5 lines. आपको 5 lines लिखनी है good manners पे, ठीक है? So this will be your homework of the day. Till that, thank you.